नमस्कार जी, ये हमारे जो सुशील काजल जी शहीद हुए थे, ये उनकी धर्म पत्नी है। क्या नाम है जी आपका? सुरेश जी। आपको आप क्या चाहते हैं सरकार से, कि सरकार एसडीएम के खिलाफ और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, आप उसकी कार्रवाई से खुश हैं कि या फिर क्या करना चाहते हैं आप? हम जी एसडीएम की तरफ से ये चाहते हैं जिसका 302 की धारा लगनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हाँ। और हमारा फैसला ये जो अपने तीनों कानून को वापिस ले, हमारे एमएससी पूरी करो। और जो संयुक्त किसान मोर्चे ने आज आपको किसानों ने साथ दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जी? मैं हमारे लिए संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों ने साथ दिया जी आपका? पूरा साथ दिया जी, हमारा तो एक भाई जारा सब इस बिरादरी के। अच्छा, समाज आपके साथ खड़ा है जी पूरा? हाँ जी, बहुत साथ खड़ा है। हमें बेहद दुख होता है कि ऐसे लाठी चार्ज के अंदर हमारे चाचा ताऊ जैसे ही थे वो, जिनकी जान चली गई और वो शहीद हो गए। तो आप क्या मानते हैं कि आगे ऐसा पुलिस का रवैया है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तानाशाह क्यों है सरकार? तानाशाही तो ये कर रही है जी, अभी इनकी मौत ऐसे नहीं है, इनकी घर वैसे ही मौत हुई, नहीं जी ऐसा नहीं हुआ है, उनकी लाठी चार्ज के कारण मौत हुई, उनको बेरहमी से डंडों से मारपीट हुई, और वो पूरे 10 महीने से वहाँ टोल टैक्स के ऊपर रह रहे हैं, उनकी एक भी एबसेंट नहीं है जी, वो जिस दिन नहीं आई उन्होंने अपना कोई काम अच्छा घर वाला समझा नहीं जी, वो सिर्फ अपना किसान आंदोलन का